फैमिली, क्या हाल चाल है। सुबह का वक्त है और खाना, जैसे कि हमारी सेलिब्रेशन है, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। इस वक्त अब मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ नाश्ता, ऑलमोस्ट अब टाइम इस तरह का हो गया कि दोपहर का थोड़ा खाना भी चल सकता है, ब्रंच टाइप। और आज मैंने डिसाइड किया कि बहुत दिन हो गए मुझे चैटर बॉक्स गए हुए, और उसकी कुछ चीजें जो मेरी फेवरेट है वो आज हम मिलकर खाएंगे। हमारा बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है, सिखाया नहीं गया ना पराठे अंडे सिखाए गए, लेकिन एक्चुअली अपने तीनों मील्स में से हर मील में मेक श्योर दैट यू हैव प्रोटीन, यू टेक प्रोटीन प्लीज। एक और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग होते हैं मेरी तरह जो मेन्यू पढ़ने में कंजूस होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ना बोर्ड्स ऐसे लगाए हुए हैं जो कि जिसमें इन्होंने अपनी जो भी स्पेशलिटीज़ हैं या डे डिश ऑफ द डे है, सूप ऑफ द डे है, वो लिखते हैं। तो आपको मेरी तरह अगर कंजूस था मेन्यू पढ़ने में, इतना क्या पढ़े बसाए बगाए टाइप, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। अच्छा मुझे बताएं, ये तो ये शेफ के नाम पे लगा? जी, शेफ के नाम पे। नॉट बैड, सारा होममेड है। होममेड है ये। अमेजिंग। अच्छा, बीफ स्टेक विद चिमचुरी सॉस। चिमचुरी सॉस। और ये आपके 250 ग्राम होता है, 500 ग्राम का पीस होता है आफ्टर कुकिंग प्रोटीन। और ये देख सकते हैं ब्ला 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 ब्ला। तो ये बेस्ट प्लेस है जब आपको दोस्तों के पास आना और आपको ये हो कि आज अनलिमिटेड टाइम है मेरे पास और मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के सिर्फ हंसूंगी, बोलूंगी, गाऊंगी, एक बाद एक चाय का दौर चलेगा। अगर आपको कभी चिल करना हो और अच्छा खाना खाना, हेल्दी खाना भी खाना, तो आप जरूर आए। जमजमा या बुखारी कमर्शियल, आपके पास दो ऑप्शंस मौजूद है। क्रंच बर्गर, आजकल क्रंच बर्गर का तो बहुत ही सीन है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं और बार बार ऑर्डर करते हैं, लेकिन क्रंच बर्गर आप लोगों के अभी था ये मुझे पता नहीं था, तो ट्राई करें। खाना सर्व हो चुका है हमारा, तो ये मेरा फेवरेट है, मैं जब भी यहाँ आती हूँ ये क्रीम में सोते हुए हुए सॉसेजेस एंड मशरूम जो अमेजिंग टेस्ट देते हैं। अगर आप क्रीम ना ऐड करवाना चाहें, जैसे मैं लेती हूँ, मैं क्रीम ऐड नहीं करवाती, मैं सिर्फ थोड़े से गार्लिक में और ऑयल में सौते करा लेती हूँ। अब इतना अच्छा है कि आप खाना शुरू करते हैं उसके बाद आपका हाथ नहीं रुकता। इसकी सर्विंग थोड़ी सी चेंज हुई है, पिज्ज़ा ऑमलेट के साथ पहले ये इतनी सारी चीज़ें नहीं होती, एक प्लेट में देते थे, प्लेटर व्लेटर चेंज किया, थोड़ी सी चीज़ चेंज हुई, बट मैं ये ट्राई करूँगी कि ये टेस्ट चेंज हुआ है कि नहीं। मशहूर ज़माना पिज्ज़ा ऑमलेट, इसके अंदर एग और वो सारी टॉपिंग जो पिज़्ज़ा पे होती है वो होती है, और ये बिल्कुल टेस्ट पिज़्ज़ा की तरह करता है। उसमें चिकन, कैप्सिकम, थोड़ी पिज़्ज़ा सॉस, और ये वो क्रंच बर्गर है जो हर माँ को पेन दे रहा है आजकल। मेरे बच्चे रात 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे क्रंच बर्गर ऑर्डर करते हैं। आज बच्चे कहेंगे मैं घर में जाकर बताऊंगी आज तो तुम्हारी अम्मा ने भी क्रंच बर्गर खाया है। थोड़ी चोरी जायज है। सॉस डिफरेंट है, ये कॉम्बिनेशन है जो या तो रेड पास्ता होता है या यू नो क्रीम वाला पास्ता होता है व्हाइट सॉस के साथ जो होता है, ये वो क्रीम पास्ता और रेड सॉस को कंबाइन कर दिया तो ये ज़रा पिंक वाला कलर आ गया, पर टेस्ट बहुत अच्छा है। मेरे तो हो गए मज़े, वो लूजर्स हैं यानी मेरे दोस्त जो नहीं आए, देर आएंगे, देर से आएंगे, ठंडा ही खाना खिलाऊंगी तुम लोगों को, बुलाया था तुम्हें। मैं तो खाने में मसरूफ हूँ, मैं अमेजिंग अमेजिंग अल्लाह मियाँ की नेमत को इंजॉय कर रही हूँ। एक चीज़ हमने ट्राई नहीं किया भाई, ये बर्गर और मोरक्कन चिकन। ये खाते हुए ना ये तो लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा, ये बदतमीजी हो जाएगी, और इससे ना डिसेंट नहीं हो जा सकता। मैं कांटे छुरी चम्मच से बर्गर नहीं खा सकती, बर्गर पूरा मुंह खोल के ये। तो आप अपना कैमरा बंद करें, मैं बर्गर ट्राई करूँ। चलें
If you ask me, I think pizza omelette takes the lead, then Iqbal pasta. Not bad. You must try this. Chatterbox jab aaye, plan karke aaye. Kya khana hai? To kahin bhi jaye, plan karke jaye. अच्छा लगने के लिए कुछ तो करना चाहिए. फाइनली जिनका इंतजार था वो आ गए. तो आप लोगों से टाटा बाय बाय करूंगी, लेकिन क्रंच बर्गर खाने, इकबाल पास्ता खाने एंड अगेन कहूंगी पिज्जा ऑमलेट खाने यहाँ जरूर आइएगा. मीठे बहुत मज़ेदार हैं, लेकिन दो मेरी रिकमेंडेशन ट्राई जरूर कीजिएगा. एक तो ये कैपुचिनो पेस्ट्री और एक है इनका चॉकलेट इंसैनिटी केक, बहुत ही अच्छा है. थैंक यू वेरी मच आप सबके अप्रिशिएट करने का हमारे ब्लॉगिंग को, और मुझे भी बहुत मज़ा आता है वो लिंक और वो कनेक्शन जो मेरा और आपका मॉर्निंग शो में था, मुझे लगता है दोबारा रिवाइव हो गया है. सो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय.